नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अथ त्रयोदशोध्यायः 13वां अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके ये हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर उनके चारों भाई धृतराष्ट्र ययोत्सु संजय कृपाचार्य कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने आ गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर जी ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे उस समय युधिष्ठिर जी ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा जी जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते हैं और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभो, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। बोलिए विदुर जी महाराज की जय। भवद्विदा भागवतास तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थे न गदाभृता। चाचा जी आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर जी के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे।
मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरों में शामिल होंगे, अतः वे भी पकड़ लिए गए और राजाज्ञा से सबके साथ उनको भी शूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को यह पता लगते ही कि ये महात्मा हैं, ऋषि को शूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा करवाया। तो मांडव्य जी ने यमराज के पास जाकर पूछा, मुझे किस पाप के फल स्वरूप यह दंड मिला? यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो इस पर मुनि ने कहा, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा, उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया, इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव्य जी के इस शाप से ही यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया था। तो इतने दिनों तक यमराज के पद पर अरिमा थे और वही पापियों को वे ही उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ ये राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में ऐसे रम गए और उन्हें उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भूल ही गए कि अनजान में ही हमारा ये जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहां से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है, फिर ये धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए, आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, आप पराए घर में पड़े हुए हैं, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप ये भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से ये गड़ा हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सदने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता वही धीर कहा गया है, चाहे अपनी समझ से या दूसरे के समझाने से। जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके सन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा, इसलिए
आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनके प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल गौ भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वही बैठे हुए संजय से पूछा, संजय मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ है? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितेशी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूं, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े? जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहां से कहां चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरह आतुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पहुंचे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाओ, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। बोले, नारद जी महाराज की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, नाहम वेद गतिम पित्रोर भगवान क्व गतावितः। भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है, न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहां से कहां चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान मय देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा संसार ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में
खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शब्द ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो, किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं हैं। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है, अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान। यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है, हाथ वालों के ये बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के ये बिना पैर वाले, ये तृण घास आदि, और उनमें भी बड़े जीवों के ये छोटे जीव आहार हैं। जीवो जीवस्य जीवनम, इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहां हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहां सप्तर ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग सात धाराओं के रूप में अपने को सात भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत सप्त सरोवर कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी छहों इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोक कर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। देवर्षि नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र पिछली रात को ही हस्तिनापुर से गए हैं, अतः यह वर्णन भविष्य का ही समझना चाहिए। धर्मराज, आज से पांचवें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर
भस्म हो जाएगा। गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का ये आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। नारायण 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 नारायण।